झूले और नमस्कार साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। इसलिए सोचा कि आज मैं अपनी गुहार सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही लगाऊं और आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज मेरे अनशन का यानी कि पानी और नमक पर ये 16वां दिन का अंत है और यहाँ पर मेरे साथ दिन में 1,000 से 2,000 लोग और रात में 100 से 300 लोग खुले आकाश में सोते हैं इस अनशन में। और तापमान अभी कोई -4 डिग्री है और रात में -10 से -15 तक चला जाता है। हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 6वें में संरक्षित करें। यों तो शायद आपको मालूम हो कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। मैं आज आपको एक ब्यौरा देना चाहूँगा, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बात आप तक नहीं पहुँचती हो कि लद्दाख के साथ क्या हुआ है। तो मैं ये ब्यौरा दूँगा और आप ही बताइएगा कि इसमें लद्दाख से क्या कमी रह गई कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ जो अच्छे काम आपने किए हैं, जैसे लद्दाख को आपने केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की जिसके लिए हर लद्दाखी कृतज्ञ है, और दूसरा एक पर्यावरण के विषय में काम करने वाले के तरह से कहूँगा कि आपके जो अच्छे काम है पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक और समर्थक हूँ। यहाँ पर जन प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, अनशन हो रहा है, मगर फिर भी हमने एक यहाँ बैनर लगाया है जो आपके अच्छे काम है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मिशन लाइफ, दुनिया के लोगों को सादगी भरा जीवन बिताने का जो आपने आह्वान किया है। जो अच्छे काम हैं उन्हें मैं कभी भी अच्छा ही कहूँगा, जो कमी रह जाए तो वो मैं कमी बताना चाहूँगा ताकि आप इससे भी अच्छा करें। तो मैं आपको ये ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता था जिससे कि आप समझें कैसा कहानी है लद्दाख की। साल 2019 में जब संसदीय चुनाव हुए तब आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपके दल के सबसे पहले 3 बिंदुओं में था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करना। ये हमारी तो उम्मीद थी मगर आपके दल की वचन थी, और इसी वचन के बल पर लद्दाख के लोगों ने भारी बहुमत से आपके सांसद को जिताया। मगर फिर अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ और फिर उसके बाद तो इस वचन को याद दिलाना भी नाराज़गी का एक कारण बनने लगा। तो लोग मायूस होते गए और 1.5 साल के बाद 2020 के अगस्त तक आते आते लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव जो कि स्थानीय हिल काउंसिल के थे
उसको बहिष्कार करने का फैसला किया और आपके सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे नेताओं को एक सरकारी विमान विशेषता बेचकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। इतना ध्यान दिया गया जब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की तो, और दिल्ली में उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपका सारा मसला सुलझा देंगे। और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए, और वापस आकर लद्दाख के नेताओं ने समझौते के अनुसार भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से स्थानीय काउंसिल के चुनाव में जिताया और उन्हीं की फिर सरकार भी बनी। ये भी फिर इसी वचन और आश्वासन पर हुआ कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का, यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस पर कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, उल्टे इसका, इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज़ होने लगे। इस तरह से 2021 और 22 में लगभग 5 मीटिंग्स हुए केंद्र सरकार के साथ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2023 में फिर जाकर कोई 2 साल बाद 19 जून को एक मीटिंग हुई जिसमें ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये कि अगली मीटिंग दिसंबर के 4 को होगी। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज़ नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी, अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए, तो मीटिंग जल्दी चलता। मगर टालम टोल ऐसा कि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए। अब फिर उस पर हफ्तों बल्कि महीने बीत गए, और फिर जनवरी में लिखित में दिया गया। फिर अगली मीटिंग फरवरी 19 को बुलाई गई, फिर यहाँ से कोई 14 नेता दिल्ली गए, तब ये कहा गया कि ये समिति बहुत बड़ी है, 14 नेता नहीं, हम एक छोटी समिति बनाएंगे, सब कमेटी। फिर कुछ ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, और ये सब कमेटी फरवरी 24 को बैठेगी। पहले लिखित में दीजिए, फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को, हमारे नेता दिल्ली में बैठे रहे इन दिनों, जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ, और कहा गया अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट, न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। तो हमारे नेता उम्मीद कर रहे थे कि अब फरवरी 27-28 को तो मीटिंग होगी, वो कब तक दिल्ली रहते, और वैसे भी चुनाव की घोषणा होने वाली थी जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। मगर फिर भी अगली मीटिंग 27-28-29 को भी नहीं रखा गया, बल्कि और देर से मार्च 4 को रखा गया। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं, और ना ही जो दूसरी मांग है लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ये सीधे अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा, तो वो भी नहीं देंगे। और यहीं मीटिंग्स ख़त्म हो गए जब उन्होंने ये साफ साफ कर दिया। तो आप ही बताइए,
हम क्या कर सकते थे, हमारे पास एक ही रास्ता था आंदोलन का। और इसीलिए मार्च 4 के बाद मार्च 6 से हम यहाँ पर अनशन पर हैं, भूखे हैं, -15 के ठंड में हैं, ताकि आप तक ये आवाज़ पहुँच पाए। और हमारी उम्मीद अभी भी है कि आप ये सुनेंगे और इस पर फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।